We learn good values, we learn to respect elders and to love and care.
भाई से प्यार, मम्मी से, अपने छोटे भाई बहनों से कैसे रेस्पेक्ट से बात करनी चाहिए, बड़ों से कैसे बात करनी चाहिए, तो ये सब चीजें हम कहाँ सीखते हैं? घर पर ही सीखते हैं। वी ऑल्सो लर्न दैट इट इज इम्पॉर्टेंट टू फॉलो सर्टेन रूल्स इन आवर लाइफ। हम ये भी सीखते हैं कि हमारे लाइफ के अंदर सर्टेन रूल्स है कि हमें समझ लो ऐसे है कि हमें बड़ों से इस नमस्ते बोलना चाहिए, उनको प्रणाम करना चाहिए, छोटों को प्यार से बात करना चाहिए, चिल्लाकर नहीं बोलना चाहिए, सामने नहीं बोलना चाहिए। तो ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें पेरेंट्स धीरे धीरे करके हर डे टू डे एवरी डे हमें शुरू से ही सिखाना करना करते हैं, जो हमें सिखाते ही रहते हैं। तो हमारा सबसे फर्स्ट जो काम होता है, जो फैमिली होती है और जो घर होता है, वो हमें स्कूल होता है, जो हमें बहुत कुछ सिखाता है। द गुड वैल्यूज वी लर्न इन अ फैमिली हेल्प अस टू बिकम गुड ह्यूमन बीइंग्स एंड वी ग्रो। लेकिन जो ये सिखाते हैं, ये शिक्षा जो माँ बाप, जो पेरेंट्स, घर के फैमिली मेम्बर्स आदि जो हमें सिखाते हैं, यही हमें एक अच्छा इंसान, एक काबिल इंसान बनने की बनते हैं। उसी से हम एक अच्छे इंसान और एक काबिल इंसान बनते हैं। उन्हीं के ज्ञान से हम एक अच्छे काबिल डिसिप्लिन इंसान ह्यूमन भी बनते हैं। टाइप्स ऑफ फैमिलीज, फैमिलीज कितनी टाइप्स की होती है? न्यूक्लियर फैमिली, सिंगल पेरेंट फैमिली एंड अ जॉइंट फैमिली। फैमिली जनरली थ्री टाइप्स की होती है। न्यूक्लियर फैमिली में क्या होता है? न्यूक्लियर फैमिली में फादर, मदर और भाई बहन वो साथ में रहते हैं। और सिंगल पेरेंट फैमिली मतलब एक बच्चा और उसकी दोनों पेरेंट्स नहीं होते, या तो फादर होता है या मदर होता है जो उस बच्चे को अपब्रिंग करता है, उस को बच्चे को पालता है, पेरेंटिंग करता है। जॉइंट फैमिली, जॉइंट फैमिली में क्या होता है? जॉइंट फैमिली में सब ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर, ताऊजी, ताईजी, अंकल, आंट, कजिन्स, चाचा, बुआ सब एक साथ रहते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? जॉइंट फैमिली। तो बेटा आज आप लोगों को मैंने ये बताया, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको हार्ड वर्ड्स दिए, फिर मैंने फैमिली का इंपॉर्टेंस बताया कि फैमिली हमारा फर्स्ट स्कूल होता है। देन आई एम गोइंग टू टेल फैमिली, फैमिली जो होती है थ्री टाइप्स की होती है, न्यूक्लियर, सिंगल पेरेंट एंड जॉइंट फैमिली। न्यूक्लियर फैमिली में क्या होता है? जो फादर, मदर और उनके बच्चे होते हैं। सिंगल पेरेंट यानी फादर या तो फादर हो या मदर हो, दोनों में से एक होते हैं जो बच्चे को बड़ा करते हैं। और तीसरा क्या होता है? जॉइंट फैमिली, जिसमें सब बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, एक साथ रहते हैं। तो बेटा यहाँ पर टिल पेज 2 का फर्स्ट पैराग्राफ जॉइंट फैमिली तक आप घर में अच्छे से रीड करोगे, हार्ड वर्ड्स को अच्छे से लिखोगे, हार्ड वर्ड्स को अच्छे से लर्न करोगे और फिर कल हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे। ये आपको क्या